अपने पुलिस अधिकारियों से कह रहा हूं, सुनो सिपाही भाई, हवलदार भाई, थानेदार भाई, डीएसपी इंस्पेक्टर और एसपी साहब, लोग कुछ ऐसे हैं जो सांप्रदायिक पोस्ट करके और किसी तरह से दो समुदायों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की ऐसी गिरफ्तारी हुई है, जो पोस्ट करता है उसको तुरंत दबोच लीजिए, मुकदमा कीजिए, गुंडा रजिस्टर में उसका नाम चढ़ाइए, केस में चार्जशीट करिए, स्पीडी ट्रायल कराइए, ताकि वो जीवन में ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। एक बार ये हो गया, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, जीवन में बहुत ही संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं नौजवानों से अनुरोध करता हूं, चाहे किसी समुदाय के हों, किसी तरह के बहकावे में आकर कोई भड़काऊ पोस्ट न करें, कोई अफवाह न फैलाएं। सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखिए, पत्रकार हमारे स्तंभ हैं, उनका सम्मान करना हमारा धर्म है, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो पोर्टल खोल खोल करके और गलत न्यूज अफवाहें फैलाते हैं। कम हैं लेकिन ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी है। वो अगर मीडिया के चौथे स्तंभ हैं तो उनकी जिम्मेवारी है। कोई भी जिम्मेदार पत्रकार इस तरह की कोई गलत अफवाह नहीं फैला सकता अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन कुछ लोग हैं, तो ऐसे जो कुछ लोग हैं उनको चिन्हित करें और विचार करके उन पर कार्रवाई करें। और मैं फिर यह कहना चाहूंगा, किसी भी स्थिति में बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द को बना करके रखना है। ये ऋषियों मुनियों बलियों की धरती है, सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है। हिंदू मुसलमान यहां हमेशा सदियों से एक साथ रहते आए हैं, प्रेम और सद्भावना और एकता के साथ इसको बनाकर रखना है। पुलिस का सहयोग कीजिए और पुलिस के लोग, आप जनता का सहयोग करें, जो बीमार हैं, लाचार हैं, रोगी हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, दवा की जरूरत है, उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए, जनता का दिल जीतिए, सेवा से जीतिए। केवल लाठी चलाकर ये दिल नहीं जीत सकते। तो मैं जनता से और आम पब्लिक से जो कहना था मैंने कह दिया। मैं तमाम पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूं कि संकट के समय में हमारा सहयोग करें। मुझे आपका प्यार, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपके साथ अगर आप जेन्युइन आदमी हैं, किसी तरह की कहीं कोई गलती होती है आप हमको बताएं, हम उसका संज्ञान लेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत। पूरी दुनिया जब घर में फैमिली के साथ है, ऐसे मौके पर आप अपनी फैमिली को छोड़कर सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, कई साल के बाद जब लोग इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे और जब देखेंगे कि 2020 में क्या हुआ था, तो उस समय लोग आपकी मेहनत, आपके सेक्रिफाइस, आपके हार्डवर्क को याद करेंगे। और ऐसे मौके पर ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत क्या है वो बाहर नजर आती है। दोस्तों, इस मौके पे मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हैदराबाद शहर का, इसमें हजार नहीं लाखों लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान एक गरीब देश है, हम अमेरिका, जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं। उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है, आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है। ऐसे मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं। शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आए, उन्हें मदद कीजिए, उनको समझाइए, और जहां तक संभव हो जीएचएमसी के तरफ से, प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए, उनके घर पे खाना पहुंचाइए। एक भूखा इंसान को अगर
खाने की तलाश में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे तो ये तो बड़ा बहुत तकलीफ की बात होगी। आपके मेहनत, आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के 10,000 पुलिस ऑफिसर्स इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं 24 आवर्स, लेकिन अगर 10 पुलिस ऑफिसर गलत जगह लाठी का यूज कर रहे हैं तो ये 10,000 लोगों के मेहनत को खत्म कर देता है। हमारे डियर ऑफिसर्स, जब कभी भी सोसाइटी में, देश में, शहर में कोई मुश्किल आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो ईश्वर, अल्लाह इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तरह से भी देता है हम लोगों को। अगर एक तरफ यह कोरोना एक क्राइसिस है तो दूसरी तरफ यह कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। मौका है कि आप अपने दिल में जो रहम है उसको आप बाहर दिखाएं, दूसरे को बताएं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दिल है और वो दिल उन गरीबों के लिए है जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कोरोना के समय जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी आई है लॉकडाउन की, उसके साथ ये भी जिम्मेवारी है कि हम गरीबों के साथ रहें। मुझे यह देखकर इतनी खुशी होती है कि पिछले 20 दिनों में कम से कम 8 ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, कांस्टेबल ऑफिसर, जो प्रेग्नेंट लेडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए जब वो लोग एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी का था। इस तरह की वारदात को देखकर हमारी आंख नम हो जाती है। परसों एक विक्टिम को अपने ब्लैंकेट से कवर करके एक कांस्टेबल ऑफिसर ने हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं उन तमाम कांस्टेबल ऑफिसर्स को सैल्यूट करता हूं। ऐसे देश में आज इस क्राइसिस के समय खाकी वर्दी जब सामने खड़ा है तो लोगों को उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति इज्जत, उसके प्रति फक्र होना चाहिए। और मैं गर्व के साथ यह कहता हूं कि आप लोगों के टीम मेंबर होने का मुझे बहुत फक्र है। कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें एक ऑटो ड्राइवर खुद अपने ऑटो को तोड़ते हुए दिखाया गया। बहुत तकलीफ की बात है, कितना दर्द होगा उसके अंदर कि वो खुद अपना ऑटो खुद तोड़ रहा है। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे हमें पता चलता है कि जो दर्द है इंसान के अंदर, उस दर्द को मिटाना हमारा फर्ज है, कोशिश करना हमारा फर्ज है। आप सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हैदराबाद शहर को आपके सर्विसेज, आपके सैक्रिफाइस, आपके हार्ड वर्क के ऊपर बहुत फक्र है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के टीम का एक मेंबर हूं। आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा गरीबों के लिए हैं। पहली मदद गरीब को करें, अमीर अपना मदद खुद कर लेंगे, हम गरीब के लिए हैं, इस बात को दिल में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू पान, गुटखा की दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, दो आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो आदमी बैठेंगे, जिससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक राज्य, एक स्टेट से दूसरे, एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इश्यू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे, ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो आदमी। अब छूट किसको है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी।
मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारे भाई बाहर से बहुत परेशानी से आ रहे हैं, बहुत परेशानी बहुत कष्ट उन्हें भोगा है, झेला है, उनकी पीड़ा से हम अवगत हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सहयोग करेंगे, सीमा पर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा, वहां क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां वो रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे, कहीं विवाद नहीं, कहीं झंझट नहीं। हमारे लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, आपके प्रति पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम आपको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम आप पर ये जागृति कर रहे हैं, हमें माफ कर देंगे लेकिन हमारा सहयोग करेंगे। बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं देश के कोने कोने से आ रहे हैं, वो भारत के भविष्य हैं, भारत की तकदीर हैं, बिहार के आन बान शान हैं, उन्हें तो बहुत ही मर्यादा का, बहुत ही अनुशासन का पालन करना है। और पुलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पुलिस पर, प्रशासन पर और मेडिकल के कर्मचारियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जघन्य अपराध है, उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा गया है और बाद में उनका गुंडापंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको बहुत परेशानी हो। और उसी तरह से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले, संप्रदाय दंगा या फसाद की स्थिति पैदा करने वाले, नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट करेंगे, सैकड़ों लोगों को हमने जेल भेज दिया। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, देश के किसी कोने में हो, लेकिन इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा, आपको आज न कल पकड़ा जाएगा, गुंडा रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा, आपका चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को किसी भी हालत में बिहार में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।